12 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। माँ के नाम एक पेड़ अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। धैरा बंकीपुर गांव में मूर्ति का अनावरण किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे। इस दौरान सोनीपत वासियों को बड़ी सौगातें भी दी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास उनकी ओर से किया गया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। भैरा बांकीपुर गांव में विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई। 12 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। माँ के नाम एक पेड़ अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सोनीपत दौरा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनीपत के दौरे से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज मौजूद रहे। यहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण उनकी ओर से किया गया। सोनीपत वासियों को कई परियोजनाओं की सौगात उनकी ओर से दी गई है। 12 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने सोनीपत दौरे के दौरान किया। जब सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी, तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत यहां पर किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। उनके पक्ष में यहां पर नारेबाजी की जा रही है। उनकी मौजूदगी को लेकर लोग कितने ज़्यादा यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। और यहां पर कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया है। और रोहतक से चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां खिलाड़ियों को भूपेंद्र हुड्डा ने शुभकामनाएं दी।